क्यों भेज दिया? आप क्यों नहीं आए साथ में? लाडो, तारे से कहा ना मैंने, चोरिया सासरे अकेले ही जाती है, माँ बापू साथ नहीं जाते। अच्छा, पर अब आप वापस मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे ना? लाडो, नहीं बस, देख तू अकेली कहाँ है ना? कितने सारे लोग हैं तारे घर में, तारे बापू सा, ताया सा, दादी सा, बड़ी बहन जैसी सुगड़ा जीजी, तारी सासू माँ। सासू माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है, मुझे कहानियाँ सुनाती है, मुझे रात को लोरी गाकर सुलाती है, जैसे आप सुनाती थी वैसे ही। लाडो तारे को मैं एक एक रात तारे बगैर कैसे काटी है मैंने, तारे बापू और मैं हमेशा एक ही चिंता करते रहते कि हमारी लाड़ो कैसी होगी, उसने ठीक से खाना खाया होगा, नींद अच्छी तरह आई होगी ना उसको, किसके साथ खेल रही होगी वो, किससे अपने मन की बातें करती होगी। खजान सिंह जी, ये सब पुरानी बातें, लीजिए ना आप। नहीं बस। समधर जी, आपने मारी लाड़ो को अपनी बेटी जैसा दुलार दिया, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी जैसा नहीं, आनंदी मेरी बेटी ही है समधन जी, और अपनी बेटी को लाड करके एक माँ दूसरी माँ पर कभी उपकार नहीं करती। देखिए, वैसे तो आप दोनों को आनंदी की चिंता करने का अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूंगा आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान आप जैसे सास ससुर हर छोरी को दे। बापू थारे लिए क्यों लाया है? कृष्णा भगवान की तस्वीर, मैं अभी जाकर इसे अपने कमरे में लगा देती हूँ, रोज सुबह आंखें खुलते ही भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। और वहां भी रोज सुबह उठकर कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ती थी सबसे पहले। सास ससुर के अपने, चल जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। ये रखो आपके लिए। अरे कपड़े, ये भी मेरे लिए हैं। हाँ कवरसा, ये सब भी आपके लिए, और किसके लिए दिखाइए। अरे जगिया बेटा, अभी नहीं, बाद में देख लेना। अच्छा, माँ सा नजर नहीं आ रही, उनसे भी मिल लेते। जी वो भाई साहब के साथ बाहर गई हैं, एक जरूरी बैठक थी। समधी जी आप आज्ञा दीजिए। अरे इतनी जल्दी क्यों, शाम को खाना खाकर जाइएगा ना। नहीं समधन जी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि छोरी के घर पे ज्यादा देर रहना ठीक बात नहीं है, आप सबसे मिलना हो गया, बस अब आज्ञा दीजिए। हाँ लेकिन खजान सिंह जी, आनंदी के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएं तो अच्छा होगा समधी जी, क्योंकि एक बार अगर आनंदी आ गई तो ना तो वो हमें जाने देगी
हमारा मन करेगा उसे छोड़कर जाने को, जाना तो है ही। जैसा आप ठीक समझे। बेटा अपने घर जा रहे हैं। देख लाड़ो, हम तारे से जल्दी वापस मिलने आएंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। छोरी इतना रोती क्यों है? माँ बापू के लिए इतना रोते हैं तो भेजो ना इसके घर वापस। सच में जगू, तेरी घरवाली एकदम पागल है। एक मैं हूँ जो अपने सासरे जाने के लिए मरी जा रही हूँ, और एक ये जो सासरे से वापस जाने की जिद कर रही है। अपने आप को संभाल भाई। चल भागो, चल बेटा जान दे। I don't know.